नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त विजय। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे YouTube से जुड़ी कुछ अफवाह, जिससे लोग गलत फहमी में अपनी व्यूज बिटोरने के लिए ऐसे कर देते हैं कि ये करिए वो करिए तो आपका मोबाइल, आपका जो चैनल है वो डिमोनिटाइज हो जाएगा या बंद हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको हम क्लियर करने वाले हैं कि अफवाह क्या है, क्या YouTube पे कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये सारी जानने के लिए दोस्तों हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा बेल बटन दबा दे ताकि मेरा अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ अफवाह हमने YouTube पे देखा है, जिससे लिख करके रख लिया है, वो हम आपको बता देंगे। जिससे यहाँ पे YouTube अर्निंग शो, कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी अर्निंग शो नहीं कर सकते YouTube पे, लेकिन ये एकदम गलत बात है। आप अपनी अर्निंग शो कर सकते हैं, पर ये जो आपका रिपोर्ट है यानी पर्सनल रिपोर्ट है वो शो नहीं कर सकते। तो आप अर्निंग शो कर सकते हैं, इसे हमने भी अपने चैनल पे शो किया है। आप अर्निंग शो कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल रिपोर्ट आता है एडसेंस द्वारा वो आप शो नहीं कर सकते। दूसरी अफवाह जो है वो 10 सेकंड से कम वाला म्यूजिक यूज करने के बाद आपका जो कॉपीराइट है वो नहीं आता है, या फिर आप 10 सेकंड से कम यूज कर सकते हैं। तो ये एकदम गलत बात है। आप अगर 2 सेकंड का भी म्यूजिक आप यूज करते हैं किसी का, तो वो आप पे कॉपीराइट आ जाएगा और उससे आपका मोनेटाइज हो सकता है। तो आप कॉपीराइट चाहे वो 2 सेकंड का क्यों ना हो, आप म्यूजिक यूज ना करें। आप जो है वो अपना खुद का करें या खुद का म्यूजिक करें। उसके बाद रीयूज, दूसरा जो है वो हम आपको बताते हैं, YouTube का वीडियो जो है वो टैग कॉपी करना। तो अगर कैसे, जैसे कि आपका कोई वीडियो वायरल हो गया, वहाँ पे जो उसी टैग को डालते हैं कि मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, उसी टैग को डालेंगे, उसी टाइटल को डालेंगे, तो दूसरा भी वीडियो मेरा वायरल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपका वीडियो पे निर्भर करता है। दूसरा, कंटेंट कॉपी से आपका मोनेटाइज होता है या नहीं है। तो कंटेंट आप कॉपी करेंगे वो रीयूज वीडियो हो जाता है, तो आप उसे मोनेटाइज नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम कंटेंट कर लेंगे या फिर जितना होगा उसके बाद इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, तो वीडियो को डिलीट कीजिएगा तो वहाँ पे आपका वॉच टाइम या व्यूज सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा, फिर आप हो जाएंगे जीरो। उसके बाद है, मोबाइल में मल्टीपल चैनल रख सकते हैं कि नहीं। ये बिल्कुल रख सकते हैं, हम भी अपने मोबाइल में मल्टीपल चैनल चलाते हैं, बट आपको जैसे कि एक स्विच चैनल करके आप एक वीडियो को नहीं देख सकते, क्योंकि ये देखने के बाद आपका जो मोनेटाइज है वो डिसेबल हो सकता है, क्योंकि वो गलत तरीक़ा से यूज किया जाता है। उसके बाद, एक्सटर्नल व्यू से मोनेटाइज होता है या नहीं होता है। अगर किसी का होता है कि एक्सटर्नल व्यूज कम होता है, तो उससे मोनेटाइज होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। एक्सटर्नल व्यूज कम हो या ज़्यादा हो, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वहाँ पे आप मोनेटाइज हो सकता है। तो ये दोस्तों YouTube पे कुछ अफवाह है, जिसे आपको नज़रअंदाज करके आपको काम करना है और इस चीज़ से बच के रहना है। जो लोग कहते हैं वो सब फेक कहते हैं, आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा बेल बटन दबा दें ताकि मेरा अपडेट आप तक मिलता रहे। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।